इसलिए तो बढ़ रहे हैं। इसलिए तुम लोग भागवत कथा कराना चाहते हो, भागवत कथा करने चाहते हो, इसलिए सब कर रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगा जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है इसका नाम है ये श्रीमद् भागवत। इसका नाम ये श्रीमद् इसका आज मैं मतलब बताऊंगा और कल तुम लोग से सुनूंगा और जो बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। बढ़िया जी, ठीक है। ऐसे सुनना कल में, ऐसे सुनना जब मैं कल पूछूंगा जिस मेरे को बोल पाऊंगा, ठीक है। सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं भैया तुम लोग तो खूब वृंदावन में राधे 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 बोलते हो, कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में फिर राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं लिखी हो? उनका नाम भी तो भागवत में आना चाहिए ना, लेकिन भागवत में राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं है? लेकिन हमारे जो गौरव टीकाकार लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं, कहते राधा जी का नाम छोड़ करके और कुछ है ही नहीं, भागवत में तो राधा ही राधा ही राधा ही राधा। देखो ये ग्रंथ का नाम है कहते श्रीमद् भागवतम, बोले श्री मतलब होता है शोभा, श्री मतलब होता है सौ, कहते श्रीमती राधा रानी ये मूल लक्ष्मी है। इसलिए शास्त्र में बताया उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आमनाया दान। इसलिए उदाहरण दिया है जैसे कोई एक सेठ था, वो सेठ को पैसा कमाता है, लेकिन पैसा कमा कर किसको पास में रखता है? अपना सेठानी को पास में। किसको पास में? किसको पास में? सेठानी को पास में सारे पैसा रखता है, हैं? एक दिन वो सेठ को पैसा कमा करके सेठानी को देती थी, क्या करती थी? लाख लाख रुपया गड्डी के गड्डी अलमारी में सजा सजा कर रखती थी और हीरे जवाहरातों को सजा सजा कर रखती थी। एक दिन वो जो सेठानी वो पागली में हो गई, तो उसने किया कि उसने गड्डी के गड्डी लाख लाख रुपया जो गड्डी के गड्डी थी हीरे जवाहरात, प्रेम धन मिलने वाले नहीं। सेठानी कौन है? श्री राधा रानी सेठानी है। इसलिए शास्त्र ने बताया बोले कृष्ण तभी मिलेंगे अगर इसके मन में ये अभिमान हो जाए, कहते राधिकार दासी यदि है अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुलता। अगर किसके अंदर में ये अभिमान हो जाए मैं कौन हूँ, बोले राधा रानी की मैं दासी हूँ। किसके अंदर में ये अभिमान हो जाए तो बस उसको जल्दी से जल्दी वृंदावन में सबके सब किसका नाम लेते हैं? बोलो जोर से, अब जोर से बोलो राधा रानी। आवाज नहीं आ रही, राधा रानी। सबके सब श्री राधा रानी। बोले राधा जी का नाम क्यों लेते हैं? ये स्वयं कृष्ण उसको विनिमय में देने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं रह जाता है, मैं अपना भक्ति और मैं खुद को खुद उसको दे देता हूँ, आज से मैं तेरा हो गया। ऐसे में रा और धा बोलते कृष्ण कहते हैं केवल ये दो अक्षर सुनने के लिए मैं उसको पीछे 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 भागता रहता हूँ। इसलिए एक भजन सुने होंगे कहते ना राधे राधे तो चले आए ये बिहार, सुने कि नहीं तुम लोग? सुने हो कौन कौन? लेकिन एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवाने हो और जितने कृष्ण प्रेम धन को रखे थे उन्होंने छत के ऊपर में गई और जा करके उसने लुटाना शुरू कर दिया, उसने लुटाना शुरू कर दिया। और आप और मतलब क्या श्रीमद् मतलब होता है ये भागवत नहीं, ये राधा रानी मद मतलब होता है प्रेम, कहते ना शराब पीते ना मदिरा पान करते हैं, इसलिए कहते ये भागवत नहीं राधा रानी की श्रीमद् भागवत कथा मृत मुखी। ये ग्रंथ का पहला अक्षर हो गया श्रीमद्, पर भागवत भागवत है ना। हाँ, बोले भाव मतलब क्या होता है? बोले भाव मतलब होता है प्रकाश। कभी ये बृहस्पति मेरे को एक सुंदर कथा सुनाए थे, बोले क्या सुनाए थे? बोले जब भगवान कृष्ण ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि की, सर्वप्रथम उन्होंने तीन देवता को सृष्टि किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले तुम्हारे काम है सृष्टि करना,
शंकर जी का क्या नाम है? संहार करना। और विष्णु का क्या काम है? पालन करना। इतने में ब्रह्मा जी आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से तो मैं संसार को सृष्टि कर सकता हूँ, लेकिन जो सृष्टि का काम ये रजो। लक्ष्मी जब कथा करती हैं कहते उनको 2 महीना लगती है कथा को पूरी करने के लिए। इसलिए नारायण जितने सुंदर कथा करते हैं उससे ज्यादा सुंदर कथा करती है कौन? कहते माँ लक्ष्मी। अभी शंकर जी आए, बोले प्रभु ये संघार का काम तमोगुण का काम है, अब ये तमोगुण से मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान ने कहे आप भी कथा सुनो और आप भी कथा सुनाओ। इसलिए जब शंकर जी कथा करते हैं कहते 1 साल तक। कितने साल तक? 1 साल तक। शंकर जी कौन है? बोलो शंकर जी कौन है? कहते शंकर जी कहते वैष्णव नाम जथा संभो। जितने भक्तों में शंकर जी भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है? श्री भोले बाबा शंकर जी। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सीख सम को रघुपति व्रतधारी, मतलब शंकर जी के बराबर जगत में राम की, शंकर ही प्रभु राम की सेवा करने के लिए उन्होंने श्री हनुमत बन करके आते हैं, हनुमान बन करके आते हैं। और क्या कहते हैं शंकर जी? भागवत का एक कथा अमर कथा, इसलिए शंकर जी माता पार्वती को अमरनाथ में ये अमर कथा उन्होंने सुनाए थे, इसलिए एक नाम क्या है? अमर कथा। इसलिए शंकर जी भगवान के सबसे प्रिय भक्त है। इसलिए वो शंकर जी भी क्या स्वरूप है? वैष्णवी। कहाँ रहती है? बताओ वैष्णवी। गए देखे कहिए जम्मू में। कहाँ पर है? जम्मू है कश्मीर में, वहाँ पर माता वैष्णवी देवी है। हैं जब माता वैष्णवी देवी कथा सुनाते वो 2 साल तक ये कथा करते हैं। इसलिए जिस कथा की जो प्रकाश है ब्रह्मलोक में भी इसकी प्रकाश है, कहते शिव लोक में भी प्रकाश है, और ये प्रकाश कैलाश लोक में भी, और ये कथा वैकुंठ लोक में भी जिसकी प्रकाश है। इसलिए इसका पहला अक्षर है भा, भाति सर्वेशु लोकेशु, समस्त लोक में जिसकी सुभायमान भाव। उसके बाद भा ग, बोले ग मतलब क्या होता है? बोले गतिरस दुरतया, गतिरस दुरतया मतलब जिसको समझना बड़ा कठिन है। भागवत ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, PhD ग्रंथ है ये भक्ति जगत का भी। ये भागवत क्या है? ये PhD है, ये भागवत है। इसलिए जिसको समझना बड़ा कठिन है भागवत ग्रंथ को, हैं जिसको समझना, बोले ब भाग और ब, बोले ब मतलब क्या होता है? बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्र सु, जितने ग्रंथों में जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है? कहिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसलिए तुम लोग सुनते होंगे ना, भागवत पढ़ते हुए सुनते होंगे। इसलिए व्यास देव जी ने समस्त ग्रंथों को व्यास देव जी ने रचना की है, लेकिन सारे ग्रंथों को रचना करते हुए उनको शांति नहीं मिली। लेकिन शांति कब मिला उनको? जब उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथों को उन्होंने लिखे, देखना इनको पूर्ण रूप में शांति जब भागवत ग्रंथ को लिखे तभी उनको शांति मिली। इसलिए कहते हैं जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, कहते अर्थयम ब्रह्म सूत्राणाम, बोले भागवत क्या? समस्त ब्रह्म सूत्र का जो अर्थ है ये भागवत है। बोले भारतार्थ विनिर्णय, जो जो महाभारत ग्रंथ का जो सार भागवत है, हैं अर्थयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सौ, बोले गायत्री का भाष्य क्या है? बोले श्रीमद् भागवतम हैं, और वेदार्थ परिवर्णितम। इसलिए निगम कल्पतरु गलितम फलम, वेद रूपी कल्पतरु का जो फल क्या है? कहते ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए बोले तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्, अगर कोई भागवत रस को पान कर लिया तो उसको कोई भी और रस में उसकी रुचि नहीं रह जाती है, हैं? इसलिए भाग ब लास्ट अक्षर क्या है? ता। क्या? ता। इसलिए बोले ता मतलब क्या होता है? बोले तरणी च भवार्णवा, अगर कोई भवसागर से पार होना चाहते हैं सबसे दीर्घ नाव क्या है, बढ़िया नाव क्या? बोले ये श्रीमद् भागवत। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले परीक्षित तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई
यज्ञा तपस्या ध्यान ज्ञान कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल बैठो और कथा सुनो। बैठो और क्या करो, कथा सुनो। कथा सुनते सुनते जब तक तुमको नहीं, इसलिए यहाँ पर बैठ कर कथा सुनो। बस मैंने भगवत कथा भागवत कथा सुनते सुनते ही मैंने क्या किया, मैंने भूर भुव मम जन तप सत्य समस्त लोग को पार करते हुए कहाँ पहुँच गए, भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में पहुँच गए, जिसको देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा। इन्होंने जीवन में कुछ भी नहीं किया, केवल बैठ करके भागवत कथा सुनते सुनते क्या हुआ, भगवत प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, इसलिए ब्रह्म लोगों में उन्होंने के तराज दिया, एक तराज दिया, एक तरफ में जितने तरह का सत्कर्म उन्हें एक तरफ में रख दिया, दूसरे तरफ में उन्होंने केवल भागवत कथा को भरा। तो भोजन किसकी यहाँ हुई है, भागवत कथा एकदम पत्थर पत्थर से जमा रहा, और समस्त ज्ञान ध्यान तपस्या सुनते जी भगवत लोग को प्राप्त कर लेते। याद रहेगा किसको, याद रहे किसको किसको याद है भैया, बच्चा याद कर लिया, ठीक है जो सुना देगा कल मैं इसको इनाम दूंगा, ठीक है। हर देखो मैं तुम्हें एक श्लोक सुना देता, हाँ तुम्हें एक श्लोक सुना दे, और सात दस मिनट दे दो। ये भागवत में एक गीत है जिसका नाम कहते हैं वेणु गीत, क्या है नाम सुने हो वेणु गीत का, बहुत कौन जानते हो वेणु गीत नाम सुने हो, हाँ। ये अभी एक श्लोक का ये व्याख्या करेगा, उसमें एक अखंडता भरत पदम, कोशिश करना थोड़ी बहुत याद करें। जाकर कथा कर सकते हो, ध्यान देकर सुनना, ठीक है। इसलिए बताया तृतीय और चतुर्थ स्कंध है भगवान के गुरु, पंचम स्कंध भगवान का नाभि कमल, षष्ठ और सप्तम स्कंध उनके दोनों हाथ, अष्टम स्कंध भगवान का वक्षस्थल, नवम स्कंध है कंठ, दशम स्कंध भगवान का मुखारविंद। तो ये दशम स्कंध भगवान का मुखारविंद है, जिसके अंदर भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं मांगी, जिससे न किस प्रकार भगवान ने जन्म अनुरक्त कटाक्ष, ये श्लोक स्वयं गोपियां कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, कृष्ण और बलराम के लिए, कृष्ण और बलराम के लिए। अभी कृष्ण गैया चरण में जाते हैं तो क्या होता है, सबसे आगे तो सारी गैया चल रही है, कृष्ण के आगे उस वेणु के आवाज से यमुना उल्टी बहने लग गई, यमुना उल्टी बहने लग गई, सारे वृक्ष से मधु चलने लग गए, सारे पुष्प सारे पल्लव सब विकसित हो गए। तो गोपियां कहती हैं ये दोनों जब वन के लिए जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं गैया चरने के लिए, उस समय पर इनके सुंदर स्वरूप को जिसने देख लिया, भैया आंखें तो उनकी सार्थक है, इसलिए कहती है अक्षुणताम फलम इदम न परम इदम, कि आंखों की सार्थक जब गौचरण के लिए कृष्ण जाते हैं तो उनके सुंदर स्वरूप का जिसने दर्शन कर लिया उन्हीं की आंखें धारण करना सार्थक है ना।
लेकिन आंखों से जिसने ठाकुर जी का दर्शन कर लिया उन्हीं की आंखें सार्थक है। इसलिए सूत गोस्वामी भागवत में कहते हैं बरहाई देते नहीं नहीं नराना। मयूर पंख देखा है? मयूर पंख देखा है ना? ठाकुर जी देखो मयूर पंख लगा हुआ है। तो फिर आंखों की क्या मतलब है? इस आंखों से हमने दुनिया जान के उल्टी सीधी चीजें देखी, तभी आंखें रहना सार्थक नहीं है। अक्षुण्णताम कलमिदम्, आंखों का सर्वश्रेष्ठ फल तो यही है कि वो ठाकुर जी के दर्शन करें। कृष्ण और बलराम जब गोचारण के लिए जा रहे हैं तो सुंदर स्वरूप का दर्शन करें। तब कहती है सखाओं के साथ में करें विषय को, अकेले नहीं। कृष्ण बलराम जब गैया चढ़ने जाते हैं कई कई सखा है उनके साथ में, कई जिसने किया है क्या करती है कृष्ण उसको छिपाने की चेष्टा करती है। इसीलिए कृष्ण और बलराम दोनों की महिमा गाते हुए कहती है कि कृष्ण और बलराम दोनों का रूप जिसने दर्शन किया उन्हीं की आंखें धारण करना सार्थक है। येरवा निमित्तम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, कि कृष्ण जब गैया चढ़ाने के लिए जाता उन्होंने क्या किया? अपने अपनी शंका किसी के पास मोर ली, जिसके पास जो चीज है और वो भी बजाते हुए जा रहे हैं। तो पूरे वृंदावन के अंदर इतना संगीतमय वातावरण हो गया है जिसको सुन सुन के सारे आनंद में नाच रहे हैं। सारे पशु वहां पर जो हिरण है वो भी वहां पर आके फाड़ फाड़ कर कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ गए। सारे पक्षी उन्होंने क्या करा आंखों से अपने सखाओं की ओर देख रहे हैं। अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम माने अपनी आंखों से कटाक्ष पात करते हैं किसके प्रति? अपने प्रियजन के प्रति, अपने सखाओं के प्रति, जो ब्रज गोपियों की स्मृति उनके हैं उनके प्रति। तो इस प्रकार कृष्ण का सुंदर स्वरूप है और इस स्वरूप का जिसने दर्शन किया उनकी आंखें धारण करना सार्थक है ना। इसीलिए हमारे को जो आंखें प्राप्त हुई है ऐसा नहीं इस जड़ जगत की सारी चीजों का तो दर्शन किया और उल्टी फुल्टी सारी किताबें पढ़ते हैं उल्टी सारी सारी चीजें देखी, लेकिन जो आंखों की सार्थकता भगवान का दर्शन करने में उस चीज को किया नहीं, उस चीज को किया नहीं। इसलिए बताए आंखों का ठाकुर का दर्शन करना ठीक है। ये जो श्लोक बोले हैं इसमें तीन चार तरह का अर्थ है। उसने जो राधारानी को साथ में कृष्ण को दर्शन करो तभी सार्थक था, लेकिन कहते नहीं उसमें और भी अर्थ बताए अहम गण दुष्टम, उसमें तीन चार तरह का अर्थ बताए। वो क्या बताए वो कल सुनाएंगे आपको। इसमें दो तीन तरह का एक ही श्लोक को विश्वनाथ चंद्र ठाकुर बताए ठीक है। फिर कल हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे।